नमस्कार दोस्तों अब की बार चार सौ पार कुछ इसी तरीके के नारे आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलते हो मोदी है मुमकिन है इसके अलावा राम मंदिर आ गया अब तो कोई हरा ही नहीं सकता है कोई बोलेगा पंद्रह बीस साल तक तो ये सरकार जा ही नहीं सकती है नरेंद्र मोदी संजीवनी पी के आए और न जाने क्या क्या इस तरह की आप बातें सुनते हो सुन के आपको हंसी नहीं आती है। मुझे तो हंसी आती नरेंद्र मोदी अब की बार पार पार कहते कहते हैं, हैं, और जब चार पार कहते है, तो उस समय सबसे बड़ी बात यह लगती है कि भारतीय जनता पार्टी और आर किस बूते कहते हैं नीतीश कुमार के बूते किसके बूते भाई 2019 का यदि लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो किसके साथ लड़ा था उन्होंने नीतीश कुमार के हिसाब और याद करिए जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार का तो किसके साथ नीतीश कुमार लड़े थे उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ और नीतीश कुमार के सीटें कितनी कम हो गई थी जो एक जमाने में हुआ करती थी उनकी तो छोड़ दीजिए अभी पीछे से ही आधी सी हो गई थी तो इस तरह की स्थिति है नीतीश कुमार निश्चित रूप से यदि वो महागठबंधन में रहते तो फायदा देते लेकिन नीतीश कुमार नहीं होंगे तो कोई नुकसान कर लेंगे इससे बड़ी और मूर्खता की कोई बात नहीं हो सकती और की बार 400 पार भैया कहां से 400 पार हो रहे हैं? हमें तो लगता है जो है वो भी नहीं पट रही है और उसके पीछे मैं हवा में बात करता नहीं और जो लोग कहते हैं अब अकेले रह गए अब क्या करेंगे आप सब ने महाभारत पढ़ी होगी और याद होगा कि जब महाभारत का युद्ध होना था तो कौरव भी जा रहे थे तमाम राजाओं के पास में छोटे छोटे राजाओं के पास में और अर्जुन भी जा रहे थे कृष्ण और जा करके यही कहते थे कि आप हमारा साथ दीजिए आप हमारा साथ दीजिए आप हमारा साथ दीजिए कोई किसी के साथ आया कोई किसी के साथ आया युद्ध हुआ और युद्ध में आखिर में जीता कौन वह जो सबसे कमजोर सेना थी वह सेना जो एक सिद्धांत को लेकर के लड़ रही थी जो एक सच की लड़ाई लड़ रही थी हक की बात कर रही थी वही जीती ना तो युद्ध ऐसे नहीं जीते जाते और जो लोग ऐसी बात करते हैं कि इनके आने से उनके आने से और यह हो जाएगा तो हजूर हिंदुस्तान का इतिहास शायद आपने पढ़ा नहीं है यदि तो पढ़ा होता तो ऐसी बातें कभी नहीं बोलते क्योंकि कभी यहां पर आर्यन आए क्या यहां की इस देश की जनता से आप यकीन करेंगे इतना कि वो लड़ेगी या यहां के तमाम सूबेदार लड़ेंगे इतिहास गवाह है इस देश में जब जब आक्रमण हुए सारे अपने अपने जो छोटे छोटे राजा होते थे वो अपने कुनबे बचाते घूमते रहे और जाके सरेंडर कर देते थे कोई कहीं कोई कहीं सिर्फ एक लड़ रहा होता था बाकी अपने आप को कैसे हम सेव करें इसके लिए काम कर रहा होता था तो यह स्थिति है आप देखिए यह कोई मैं वैसे नहीं कह रहा हूं आर्य आए आर्यों का आक्रमण हुआ यूनानी आए सिकंदर का नाम सबने सुना है अलेक्जेंडर वो आए और उसके बाद उसके बाद में शक आए हूण आए कुषाण आए मोहम्मद बिन कासिम आया जब पहली बार मुस्लिम का आना हुआ और फिर हम सबको पता है मोहम्मद बिन कासिम आया और मोहम्मद बिन कासिम के बाद में मुसलमानों का आना बिल्कुल शुरू हो गया गजनवी आया मोहम्मद गोरी आया खिलजी आया खिलजी वंश का बड़ा लंबा शासन रहा और उसके बाद में बाबर आया तैमूर आया अब्दाली आया कौन नहीं आया और इस देश के अंदर उन्होंने लूटा पाटा सब कुछ किया हमारे देश के राजपूताना का क्या हाल था जो तमाम राजा थे वो सब जाके सरेंडर कर देते थे एक रहा होता था बाकी सरेंडर कर देते थे तो इसका ये कोई नया इतिहास तो है नहीं और यह इतिहास हम लगातार देखते हुए आए और इस इतिहास की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए आप याद करिए कि जब जब हुआ चं, चंद्रगुप्त था चंद्रगुप्त जब लड़ रहा था तो स्थिति क्या दूसरे राजा खड़े थे साथ में स्कंदगुप्त था क्या खड़े थे राजा दहीर जब राजा दहीर लड़ रहा था मोहम्मद बिन कासिम से तो बाकी सारे जाकर के मोहम्मद बिन कासिम के साथ खड़े हो गए थे याद करिए राजा दहीर की बेटियों को और सबको उठा ले गया था मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमण था मुसलमानों का रास्ता उसने खोला था जो मुस्लिम आक्रांताओं का और उसके बाद हेमू हेमू के साथ जब हुआ युद्ध हुआ तो आप बताइए राणा सांगा खड़े खड़े थे कहां थे चलिए वो तो तो बाद में आए मैं ये उदाहरण दे, दे रहा हूं कि जब शिवाजी रहे थे तो बाकी कहां थे और राणा सांगा जब लड़ रहे थे तब कहां थे फिर इसके बाद इसी तरीके से जब टीपू सुल्तान से सिराजुद्दौला लड़ रहा था तब कहां थे लक्ष्मीबाई से लक्ष्मी हजरत महल ये सारे सब लड़ रहे थे तब कहा थे तो साहब इक्का दुक्का को छोड़े कहाँ थे ये सब और जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी तो शुरुआती दौर में कहां थे पहली बार अठारह में तब एक बार सभी नहीं आए थे कुछ आए थे और तब बहादुर शाह जफर के अगुआई में लड़ाई लड़ी गई थी बड़ी लड़ाई लड़ी गई अंततः चलिए फेल हुई लेकिन उसने एक अलग जगह दी और उस अलग का यह स्थिति आई कि अठारह में दिसंबर एक कांग्रेस पार्टी का उदय होता है जो राजनीतिक पार्टी आती है और वह पार्टी इस देश के लोगों के हक के लिए और उनकी शासन में सहभागिता और सुनवाई के लिए खड़ी होती है उस समय सीधे नहीं लड़ सकती थी फिर वो आती है धीरे धीरे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है याद करिए तिलक का नारा था और लाल बाल पाल हमने देखा लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो शहीद हुए इसी तरीके से फिर आंदोलन शुरू हुआ पहले स्वराज की बात हुई स्वराज हुआ होम रूल के लिए हमने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ हमने समझौता किया कि ठीक है हमें होम रूल दीजिए हम जो है आपके लिए प्रथम युद्ध में हम आपके साथ खड़े होंगे और हम लोग खड़े हुए लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में हम लोगों ने यह कहा कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए तब हम वो नहीं देने को तैयार थे तो हम भी नहीं लड़ने को तैयार हुए तो वह स्थिति थी तब कहीं और वो पहला आंदोलन था जब आर एस और सबके लोग सरेंडर करके बैठे हुए थे उस समय वह पहला आंदोलन था जिसमें हम लोग साथ खड़े हुए और खड़े हुए तो नतीजा क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग जीत की तरफ बढ़े और जब जीत की तरफ बढ़े क्यों बढ़े क्योंकि गांधी नेहरू की अगुवाई में हम उस दिशा में पहली बार आए थे कि जनता लड़ाई लड़ रही थी राजे रजवाड़े तब भी नहीं लड़ रहे थे आप याद कर लीजिए और ये राजे रजवाड़ों का इतिहास सदैव से यही रहा है तो जो ये आज के राजा हैं वो डर जाते हैं उन्हें अपनी कुर्सी अपनी सत्ता अपना सुख वही दिखाई देता है इसलिए स्थिति होती है आज राहुल गांधी उसी अर्जुन की तरह से लड़ रहे हैं उसी कृष्ण की तरीके से उसको केंद्रित कर रहे हैं और जो अर्जुन और कृष्ण का एक रूप है वो उस छद्म धतराष्ट्र की सेना कौरवों की सेना से लड़ा है क्योंकि वो बहुत बड़ी है उसके पास सब कुछ है धन पैसा सब कुछ था और याद करिए कितनी मुश्किलों में पांडव लड़ाई लड़ रहे थे आज वही स्थिति है मुश्किलों का दौर है और मुश्किलों में कमी लोग साथ देते हैं ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है आप लोग भी अपनी जिंदगी में झांके तो यह स्थिति है आप देख लीजिए जिस तरह से स्थिति का दोस्त था वैसे वो था जयचंद मोहम्मद गोरी का दोस्त था आप सोचिए खड़ा हुआ था राणा सांगा जो राणा प्रताप के दादा हैं वो बाबर के दोस्त थे उनके साथ खड़े हुए थे राणा शक्ति सिंह राणा प्रताप का भाई था वो अकबर का सिपा सालार था जिस अकबर के उससे वो लड़ रहे थे और उसके बाद वही मुगलों से लड़ रहे थे और वहां ये हो रहा था राजा मान सिंह अकबर का सेनापति था अब आप बताइए उनका रिश्तेदार था राणा प्रताप का उसके बाद में राणा अमर सिंह राणा प्रताप का बेटा वो अकबर का मनसबदार बना मनसबदार अब आप समझिए ये स्थिति थी और जब बन गया तो राणा प्रताप ने भी, भी बिल्कुल चुप्पी साध ली तो यह स्थिति है शिवाजी औरंगजेब का टैक्स कलेक्टर के तौर पे काम किए आप बताइए छिपा है कोई फिर सिंधिया सिंधिया किस तरह से चरण चुंबक थे अंग्रेजों के हम सबने देखा है सावरकर किस तरीके से अंग्रेजों का वफादार वो था हमने सबने देखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस तरीके से जिन्ना से मिल करके इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहा था देश को बांटने का काम कर रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी गवाही दी थी देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए। तो आप बताइए लड़ाई कौन लड़ेगा लड़ाई तो साहब आरएसएस की विचारधारा और गांधी नेहरू पटेल अंबेडकर की विचारधारा के बीच होनी है और यह विचारधारा एक साथ हो गई है आपको शुक्र मनाना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बेटे डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर ने इंडिया गठबंधन के साथ आने का फैसला कर लिया है और कल राहुल गांधी जब दिल्ली आए तो उनके साथ में फोन से चर्चा के बाद में महाराष्ट्र में पार्टी की तमाम जो सभी दलों की सहयोगी दलों की मीटिंग हुई बहुत बेहतरीन बैठक हुई और उसमें बहुत निर्णायक स्तर तक पहुंचने की स्थिति में आ गए वही उत्तर प्रदेश में वहां पर भी बात हुई और अखिलेश यादव ने आज ट्वीट भी कर दिया कि सहमति बन गई है और किसको किसको कैसे क्या सीटें मिलनी है अब कोई लड़ाई नहीं रह गई कांग्रेस की भी तरफ से यह आ गया कि वार्ता चल रही है बड़ी सकारात्मक चल रही है अखिलेश यादव ने तो घोषित कर दिया कि हां ग्यारह सीटें कांग्रेस को देने का फैसला हो गया है निश्चित रूप से कांग्रेस के पास एक सीट है तो ग्यारह सीट कहीं से बुरी नहीं है वो अपने उन सारे लोगों को जो इस स्थिति में है उन्हें कर सकते हैं और अखिलेश यादव ने उसमें भी ठीक स्थिति पेश की है तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी ने और इन सब ने तो ये तिकड़ी बन गई पिछली बार क्या ये तिकड़ी थी नहीं थी तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है 400 पार कहां रही है 400 पार भाई दक्षिण भारत में आप है नहीं खत्म हो रहे हैं आप पूर्वोत्तर में खत्म हो रहे हैं आप बंगाल में आपकी बुरी स्थिति है उसके बाद में कांग्रेस और टीएमसी को आपको झेलना पड़ेगा इसके बाद में बाकी जगह उड़ीसा में आपके साथ में लगातार स्थितियां खराब है आप भले कितना भी पेंगे लड़ा लीजिए आप और नवीन पटनायक लेकिन उससे कुछ होने हुआने वाला नहीं है क्योंकि जनता सारी चीजें देख रही है धार्मिक ध्रुवीकरण से बाहर के जो वोट हैं वो आपके विपरीत जाएंगे इसके बाद में बिहार में आ जाइए आप उसी बिहार की बात अब कर लेते हैं जिस बिहार को लेके सारी बातें कर रहे हैं इधर जम्मू कश्मीर में आप साफ हैं पंजाब में आप साफ हैं तो आप हैं कहा महाराष्ट्र में आप साफ हैं अंबेडकर जी के बेटे के आने के बाद में आपकी स्थिति और खराब हो गई है तो अब बचा जो है उत्तर प्रदेश और इस, इसके अलावा ये काउ बेल्ट तो काउ बेल्ट में आप क्या ले आएंगे और नीतीश कुमार के साथ जाके भी आप क्या कर लेंगे पिछला चुनाव भी तो साथ ही लड़े थे थी। ठीक है सारी सीटें तो आप ही लोग के पास थी एक ही सीट तो कांग्रेस के पास थी लेकिन अब जो माहौल है जो स्थितियां हैं उन स्थितियों के बाद आप तोड़ पाड़ के सरकार भले बना ले। लेकिन सरकार बनाने से आप जनता को नहीं ले आ पाएंगे जनता को अब तेजस्वी यादव पसंद है जनता को अब राहुल गांधी पसंद है जनता को अब वह आदमी पसंद है जो लड़ता हुआ दिखता है उसके लिए अब जनता इन सूबेदारों मनसबदारों के साथ नहीं खड़ी हो रही उसे सूबेदारों मनसबदार नहीं चाहिए और इस बात का उसने परिचय दे दिया है तमाम जगह तो सूबेदार मनसबदार जब नहीं चाहिए तो ऐसी स्थिति में तो माहौल बदला हुआ है राजस्थान में आप 40 परसेंट वोट जो है कांग्रेस के पास है 41 परसेंट आपके पास है क्या बताते हैं प्रदेश में कांग्रेस के पास 40 परसेंट से अधिक वोट है और आपके पास 48 परसेंट से अधिक है तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए जहां पर कांग्रेस की कोई सीटें नहीं वहां पर भी कुछ सीटें पाने की स्थिति में वो आके खड़ी हो गई है तो यदि वो पुराना यूपीए गठबंधन ही खड़ा हो जाता है और एक आध नए लोग आ जाते हैं तो सारी चीजें और वो आ चुके हैं उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पंजाब में एक साथ लड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि दोनों को पता है कि यदि एक साथ लड़ेंगे तो नुकसान होगा इसलिए फायदा इसी में है कि अलग अलग ही लड़े और जहां एक होकर लड़ने की जरूरत है तो वहां एक होकर भी लड़ेंगे चंडीगढ़ में एक होकर लड़ेंगे और आपको 30 तारीख को चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो है मेयर मिल जाएगा तो इस तरह की स्थितियां हैं तो ऐसी स्थिति में 400 पार वो कहते हैं अरे साहब आपकी जो 80 सीटें जा रही हैं वो तो बता दीजिए वो कौन उस पर क्यों आपकी चूंकि सीटें जा रही यदि आप 400 पार की स्थिति में होते इतना बड़ा आपका नेगेटिव चल रहा होता तो आपको यह तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको इन ईडी के प्रयोग करने की सीबीआई के प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको इस तरह से गंदगी फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको दंगे फसाद कराने की जरूरत नहीं पड़ती ये इसलिए पड़ रही है क्योंकि वास्तव में आपको पता है कि आप दो सौ सवा दो सौ से ऊपर जा नहीं पा रहे किसी स्थिति में और आने वाले वक्त में जो राहुल गांधी की यात्रा कंप्लीट होते होते आपकी हालत और पतली हो जानी भाई बिहार में सरकार बनी लड़े तो नीतीश आपके साथ थे सरकार तो आपकी थी नीतीश अपने फायदे के लिए आए थे उन्होंने अपना कुछ फायदा ले लिया मुख्यमंत्री रह और सब कुछ रह लिये अब वो वहां चले जाएंगे आठ बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके सोचिए कि आठ बार शपथ ले चुके हैं अपनी इस्तीफा लेते हैं और फिर अपने ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं इस तरह का खेल करते रहे अब जनता उन पलटू राम को पूरी तरह पहचान चुकी है इसलिए फिक्र इसकी नहीं है फिक्र इसकी है कि यह युद्ध इतने छद्म तरीके से लड़ा जा रहा है ऐसी स्थिति में आपको समझने की जरूरत है कि महाभारत है आज देश को बचाने के लिए आपके हक बचाने के लिए और उस स्थिति में दूसरा है जो कौरव है सत्ता में बैठा है वो आपको आपके हक देना नहीं चाहता है वो आपका आपका कुछ छीन लेना चाहता है बस यहीं पे और इसीलिए राहुल गांधी ने जैसे पांडवों ने पांच गांव मांगे थे वैसे ही राहुल गांधी पांच न्याय की बात करते हैं पांच न्याय की जो की बात करते हैं वो न्याय दे दीजिए आप कल के चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन आप नहीं दे सकते इसलिए लड़ना पड़ा आपको शर्म नहीं आती है कि इस देश को भिकारी बना दिया है भुकमरी की स्थिति में ला दिया है इक्यासी करोड़ से अधिक लोग जो है वो दो एक वक्त के खाने के लिए आपके आगे मौत आ गए बेरोजगारी की जो दशा है कि आप इसराइल भेज रहे हैं और इसके बाद जब भविष्य बर्बाद कर रहे हो सब कुछ कर रहे हो तो आप कहेंगे कि साहब चार सौ तो सपना ही है कि दिवा स्वप्न देखने से किसी को कोई रोक नहीं सकता है तो आज हालत ये कि आप यह चुनाव 2024 का लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा हारने जा रही है और जब हारने जा रही हो तो आपको सच जानने की जरूरत है जय